हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। सबको नमस्ते, सलाम वगमाना। देखिए, कल हमने दोस्त आपको संकरण का पार्ट वन पढ़ाया था, आज हम लोग पार्ट टू की ओर आगे बढ़ते हैं। और ज़बरदस्त तरीके से हमने आपको कल पढ़ाया था, कल का वीडियो देखेंगे तो बहुत आपको उछलने का मन करेगा, है ना, कहाँ तो हवा में। ओके, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कल आपको एक बात बताया था, ध्यान से देखे होंगे पार्ट वन वीडियो क्या है सर। जब कभी भी कार्बन मतलब सिग्मा चार रहता है, मतलब सिग्मा चार रहता है ना, चार बॉन्ड रहता है सिग्मा, तो उसको हम लोग sp3 बोलते हैं। अगर सिग्मा टू होता है तो sp2 बोलते हैं, अगर सिग्मा टू होता है तो हम लोग sp जानते हैं। ये बात आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, ये बात ठीक है। फिर हमने बताया था अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दो को पाई और एक को सिग्मा मानना है। इतना भी मैंने कल बात आपको बता रखा था। अब आपके एग्जाम में जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देगा, है ना। देखिए, ये दोनों को मैंने छिपा कर रखा है, क्वेश्चन दोनों बहुत ही मायने रखता है, और इसको मैं आपको समझाऊंगा एकदम कि वैसा खोपड़िया में चल जाएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने कल एक बात बताया था क्या, कि जो भी संरचना दिया रहेगा, है ना, मतलब उसका संरचना बनाया था, ठीक है, फॉर्मूला के रूप में दिया था, हम लोग उसको तोड़ना है। क्या सर? तोड़ना है, तोड़ना है तो बहुत ईजी है सर। कैसे है देखो, तीन सी का होगा है, ए गो है, ब्लैक पेन का मार्कर का यूज करता हूँ, सी ए गो है, ए गो हाइड्रोजन तीन है, तो तीन को बैठा दिया, एक दो तीन, फिर सिंगल बॉन्ड है सिंगल, सी एच दो गए तो एक ऊपर एक नीचे हो गया, फिर सिंगल, फिर सी, फिर एच, फिर डबल, फिर सी आई एच आई एच। एक वो तो बताने मतलब दिया है वैसे ही बना दे। देखो, सी है तो सी, हाइड्रोजन तीन है तो एक दो तीन हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, सी सी हाइड्रोजन दो है तो दो हो गया, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, सी तो सी हाइड्रोजन एक है तो एक। इसके रटने की बात नहीं कि हम नीचे में क्यों बैठाएं, ऊपर आप बैठ सकते हैं, आपका मन है, है ना, हम नीचे बैठ। फिर डबल बॉन्ड है और एक इधर, मैंने दो हाइड्रोजन है, दो हमने हाइड्रोजन बैठा दिया। ओके, अब हम यहाँ से बात समझ लीजिएगा, एक बोला, अब कल हमने बताया था अगर जब कभी भी सिंगल सिंगल दिखाई देता है तो सर क्या मानना है, सिग्मा मानना है। ध्यान से देखो, एक बात पॉइंट है, सिंगल वन सिग्मा 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 सिग्मा, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, है ना। टोटल में हमने देखा तो सिग्मा कहाँ आता है, तो सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है पाई, है ना, पाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद आता है, सिंगल बॉन्ड के कभी भी संग पाई नहीं आ सकता। ओके सर, आपने तो ये बात बता दी है। फिर हमने क्या किया, अब ये इसका संकरण लिखना है सब कार्बन का, हमने बताया संकरण एक कार्बन का लिखते जाना है। देखो एक बात, देखो यहाँ पर देखो सिग्मा कितना है, गिनो तो इस कार्बन का सिग्मा यहाँ से यहाँ तक कितना है, चार बॉन्ड होता है, देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, इस कार्बन के बीच सिग्मा कितना है, चार है, जब सिग्मा रहेगा चार तो उसका संकरण कितना है सर, इसका संकरण रहेगा एस पी थ्री। फिर से एक सिग्मा का गिनो, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा, क्योंकि चार बॉन्ड होना चाहिए ना, तो चार बॉन्ड, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, हाँ ना, होता है तो चार बॉन्ड रहता है, तो इसका भी संकरण एस बी थ्री आएगा। इसके बाद इस सिग्मा का गिनो तो यहाँ एक एक ये दो और ये तीन, तीन सिग्मा है तो क्या होगा, तीन सिग्मा है तो एस पी टू होगा सर। उसके बाद इस सिग्मा का गिनो कितना होगा, इस कार्बन का बॉन्ड एक दो तीन चार, है ना, एक दो तीन है, इसका भी संकरण कितना आएगा एस पी टू, ये सब इसका संकरण हमने लिख दिया। बहुत ईजी होता है अगर आप सिग्मा पहचान लेते हैं, है ना। मैंने बोला था ना, अगर कार्बन है तो चार का बॉन्ड होता है, चार बॉन्ड को हम कैसे गिनते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं गिनते हैं ना, चार बॉन्ड देखते हैं, चार बॉन्ड कहाँ कहाँ से पूरा हो रहा है कार्बन को। अब मान लीजिए तीन को कार्बन हमने ले लिया, है ना, अब इस कार्बन का दो बॉन्ड है, देखो एक पीछा वा एक आगा वा दो गए, अब ऐसे दिए हैं तो इतना का पूरा ना लिखेंगे। अब मान लीजिए इस कार्बन का कितना है, एक है, तीन को इधर हमने दिया तो यहाँ तक ना लिखेंगे, चार बॉन्ड होना चाहिए सर, कल ही आपने बताया था। ओके, फिर इसका तो संकरण आ गया, है ना, एस पी टू हो गया, तीन है तो एस पी टू हो गया। अब नीचे वाला का बता दें, नीचे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या है इसके हमें सबसे पहले कुछ इसमें न देखो, थ्री एच को हम तोड़ लेते हैं, तोड़िए सर, देखो कार्बन है तो कार्बन लिखूंगा, एक अगर बताए देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन तीन है तो तीन, एक दो तीन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड,
फिर से ये तो सी, नीचे लिखते हैं थोड़ा जगह, ऊपर ऊपर भी है ना, सी एक दो तीन, सिंगल वर्ण तो सिंगल वर्ण, फिर सी तो सी, सिंगल वर्ण है तो सिंगल वर्ण, ऊपर एक गो है तीन गो, तो देखो एक गो दो गो तीन गो, फिर सिंगल वर्ण नीचे है नीचे, फिर सी एस थ्री है यहाँ पर देखिए, तो क्या लिखूंगा सी लिखूंगा तीन गो, तो एक दो और तीन हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी और फिर एच है, एच ऐसे हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, इसको मेन बात है समझना, देखो सी है तो सी हमने लिख दिया, हाइड्रोजन तीन है तो तीन हो गया, उसके बाद इस कार्बन को हमने यहाँ लिखा है, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर सी एच थ्री को हमने ऐसे तोड़ दिया, देखो सी एच थ्री को हमने यहाँ पर तोड़ दिया है, तोड़ दिया, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड है, नीचे सिंगल बॉन्ड, फिर सी एच थ्री है नीचे वाला, देखो ये सी एच थ्री है, हमने इसको इधर मतलब नीचे तोड़ दिया, ओके सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सी है तो सी, फिर एच हो गया। अब तो जल्दी से सिंगल बॉन्ड को सिग्मा है ना, चलिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 हो गया, सिग्मा सब सिग्मा हो गया, यहाँ पर इधर सभी सिग्मा है, नहीं डबल बॉन्ड रहते तो दो को पाई और एक को सिग्मा, सिग्मा हो गया हो गया हो गया। अब इसका सर हमें संकरण बता दीजिए, इसको हम संकरण कैसे लिख गए हैं, ध्यान समझना है, ऐसा ऊपर वाला क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक एक बात देखो, इस कार्बन का देखूंगा बॉन्ड कहाँ तक, चार गो होता है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, चार बॉन्ड होता है तो संकरण क्या लिखेंगे, एस पी थ्री, एस पी थ्री हमने लिख दिया, गोल घेर देता हूँ, ये इसका संकरण है। इस कार्बन का देखो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, इसका संकरण यहाँ तक होगा, इसका संकरण कितना होगा, एस पी चार बॉन्ड तो थ्री, नीचे वाला का भी चार होगा और कि नहीं, देखो एक दो तीन चार, इसका भी संकरण एस पी थ्री, चार होगा तो एस पी थ्री, ऊपर वाला की चार भी होगा, होगा सर। अब देखो इस कार्बन का गिनो, इस कार्बन का इसके पीछा वा एगो है सिग्मा, इसके अगवा कगो है, एक ही नो है, देखो तीन बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, तो दो को पाई हो गया तो एक ही नहीं सिग्मा बचा और एगो इधर बचा और चार को बॉन्ड ही पूरा हो गया, देखो तीन बॉन्ड एक चार बॉन्ड, इसमें सिग्मा कितना है टू है, सिग्मा टू है तो एस पी लिखूंगा, एस पी लिख दिया। इस कार्बन का भी देखो टू ही है, पीछे वा एगो सिग्मा है, अगवा एगो है, एक एक दो, लेकिन बॉन्ड तो चार ही हो रहा है, लेकिन बॉन्ड चार गो में दो ही सिग्मा है, दो ही सिग्मा है तो एस पी लिखूंगा, कितना एस पी लिखूंगा। हाँ अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो खूब कमेंट करना खूब, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि नहीं लड़का लोग वो समझ में आया है, यस कि नो, यस सर कमेंट प्लीज करिएगा, ओके ओके सर। अब हमें इसका लिखना है ना, अब हमें इसका भी लिखना है, सबका मैं बताऊंगा जो जो क्वेश्चन लिखा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं, बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं। सी है तो सी हो गया, तीन को हाइड्रोजन है, एक दो तीन हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ओके सर सी है तो सी, अब दो को है तो देखो दो को में अब कोई बोलेगा सर इधर बैठा दीजिए, अरे इधर बैठा दीजिए, अरे बैकअप आगवा दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड है तो कहीं इधर एच बैठाएंगे, आगे दिखाई दे रहा है तो एक ऊपर एक नीचे बैठाएंगे है ना, फिर सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड वो कहाँ जाएगा, तो चार को हो गया, फिर सी है तो सी, फिर एच, फिर डबल बॉन्ड, फिर एच हो गया हो गया। यहाँ पर सी एच टू होना चाहिए तब ना चार को बॉन्ड होगा, ओके गलती से मिस्टेक हो गया, ओके चलिए इस कार्बन में भी चार को बॉन्ड हो गया, उसका भी हो गया चार को बॉन्ड, ओके ओके। अब हम इसका संकरण बता दीजिए सर, उछलने का मन कर रहा है, अरे देखो देखो सब सिग्मा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, कुछ लोग झपकिया ले रहेंगे सर सिग्मा कैसे है, यहाँ पर फोकस फोकस यही गोल है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, सब सिंगल है देखो सिग्मा 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 सिग्मा, जब डबल बॉन्ड आते हैं सर एक को सिग्मा को पाई किसी को, देखो हम ऊपर वाला को पाई लिखते हैं नीचे वाला को सिग्मा, रटना नहीं को ऊपर ही को सिग्मा बनेंगे, नहीं सिग्मा सिग्मा हो गया। अब इसका संकरण बता दीजिए कैसे लिखते हैं, देखो इस कार्बन का बॉन्ड देखें कहाँ चार तक पूरा है, यहाँ तक पूरा रहे, इसमें सिग्मा कितना है चार है, सिग्मा चार आता है तो एस पी थ्री हो गया हो गया। अब देखो इस कार्बन का भी चार गो होगा, एक दो तीन चार, चार सिग्मा है तो इसका भी एस पी थ्री, एस पी थ्री। उसके बाद इस कार्बन का देखो तो बॉन्ड कहाँ तक जा रहा है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड, बोला था ना आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सगरे, बॉन्ड चार गो है, चार बॉन्ड में कितना सिग्मा है सर, तीन गो सिग्मा, देखो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, जब
सिग्मा 3 रहता है तो sp2 आएगा सर, ऐसा कि नहीं आएगा हमेशा। देखो इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन में सिग्मा कितना है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा है, तो सिग्मा 3 है तो sp2 आएगा, sp2 आएगा। और कभी भी देखो ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लिखने देखो, कभी भी देखो सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ तक में सिंगल बॉन्ड था, डायरेक्ट लिख देना है sp2, देखना है कि डबल बॉन्ड नहीं है तो डायरेक्ट लिखना है, गिनना भी नहीं है, sp3 लिख देना है। तो देखो सिंगल बॉन्ड में सब सिग्मा है, सिग्मा 4 है तो sp3 आएगा, आएगा इसका हो गया। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना है, और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, बगल हाँ सबको बोल रहे हैं है ना। और ये दो क्वेश्चन देखिए बहुत ही मायने रखता है। अब देखिए कोई चीज़ में प्लस होता है उसका मायने यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसका मायने प्लस का मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन माइनस का मतलब होता है एकांकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी। निर्जन जोड़ी का मतलब कहता है, जैसे मैं एन एस थ्री का बात करता था, पता था लोन पे इलेक्ट्रॉन, एन का मैंने अगर करूँगा तो दो पाँच आएगा, पाँच गो में तीन गो हाइड्रोजन के पास, देखो पाँच गो में तीन गो किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है, पाँच गो में से तीन गो हाइड्रोजन ले, दो गो बचा बगल में, दो गो बचा ना, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन गो हाइड्रोजन ले लिए, दो गो इसको बचा है बॉन्ड, दो गो बॉन्ड पर इसको ऐसा दिया जाता है, इसी को हम लोग लॉन पेयर के नाम से जानते हैं, लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एकांकी भी बोलते हैं। इसको हम लोग माइनस ऐसे भी दिया रहेगा, इसका मतलब इसमें निर्जन जोड़ी है, और निर्जन जोड़ी है तो सिग्मा लिखेंगे, देखो माइनस लिखेंगे, माइनस का मतलब एक सिग्मा होता है, पहले बता चुका हूँ। ओके चलिए इतना तो बात हमने सर बता चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग का देखो, इसको हम लोग सीधे है कार्बन 3 है, सॉरी हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 3 ले लिया हमने, प्लस है तो प्लस लिखता हूँ। अब कितना है सर, तीन को सिग्मा है, और सब सर जब तीन दो तिग्मा है तो तीन को तिग्मा है तो क्या लिखना है, sp2 लिखना है, इसका संकरण आ जाएगा sp2, कितना जाएगा sp2 आएगा। ओके सर अब इस कार्बन का देखिए बनाइए, कार्बन हाइड्रोजन 3 है, एक दो तीन, कितना हो गया तीन सर हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ एक क्या होगा, अरे माइनस साथ भी एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, अरे न्यूट्रॉन जोड़ी, न्यूट्रॉन जोड़ी का मतलब दो गाय था ना इसे, इसका मतलब एक सिग्मा इसके में है, टोटल सिग्मा कितना होगा, तीन प्लस एक इक्वल टू चार, जब सिग्मा 4 आता है तो क्या लिखते हैं sp3, मतलब इस कार्बन का संकरण sp3 हो जाएगा, है ना। ये आपको बहुत ही मायने करता है आपके एग्जाम में, है ना। तो आज हम मतलब रहने देते हैं, दो तीन दिन में फिलहाल आपको लाइव क्लास चल जाएगा, तब नहीं चलेगा मतलब तो मैं आपको वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मतलब समझाने वाला टॉपिक को वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो लाइव में, हमेशा दिक्कत ना हो। ओके तो ये वीडियो कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग ऐसे पढ़ाए हैं कि लड़कों को समझ में आए, हम लोग वैसे के लिए बोल रहे थे, है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको बाय बाय।